गुरु परंपरा का रास्ता ही भगवान को पाने का है। हम 6 महीने से गुरु परंपरा का जो मार्ग बता रहे हैं, जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया है, उन्होंने प्रत्यक्ष ही इसे अनुभव किया है। यदि 6 महीने में ये हाल है तो आप 10-20 साल तक कहाँ पहुँचोगे। गुरु तत्व प्रकट तभी होता है जहाँ लोग रास्ता भूल गए हों और बैरांग से अंतरंग में ले जाने के लिए गुरु तत्व प्रकट होता है। शरणागति और प्रेम दरअसल एक ही चीज़ है, दो नहीं। जब हम अपने आप को भगवान के अर्पण कर देते हैं, उस समय भगवान की कृपा हम पर होती है, तब हमारी वृत्ति अंतरांग हो जाती है। आनंद तो केवल अंतरंग में ही मिलता है। जब से दुनिया बनी है तब से आज तक जिस किसी को भगवान मिला है तो अंतरंग में ही मिला है। यदि हर जन्म में पहली सीढ़ी पर ही चलते रहे तो हमारा जन्म मरण का चक्कर चलते रहेगा। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रयो समाई। गुरु साहब कहते हैं, गुरुमुख से जो बाणी निकलती है वो मामूली बाणी नहीं होती, वो भगवान की बाणी होती है। वो बाणी मनुष्य के हृदय को झंझोड़ देती है कि चल उठ, भगवान से प्रेम कर। उसने जो कुछ भी हमारे लिए तय किया है वो ही हमारे लिए अच्छा है। शिष्य जब गुरु महाराज की बाणी को अमल में लाता है तब गुरु महाराज उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी वृत्तियां अंदर की ओर कर देते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 30-30 बरस हो गए पूजा करते हुए, लेकिन देखते नहीं हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हमें पल पल आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम नहीं बढ़ रहे तो किसी सतगुरु सतपुरुष के पास जाना चाहिए तथा ठीक साधना के बारे में विचार करना चाहिए। अपने अपने हृदय में सब सोचिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं बढ़ रहे तो खतरा है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। यदि समय चला गया तो जन्म मरण की बाजी हार जाएगी। नहीं तो नीचे की जोनियों को देखो, इन्हें भी हमारी तरफ मौका मिला था लेकिन बाजी हार गए। यदि हम भी ये बाजी हार गए तो हमारे लिए भी नीचे की जोनियां तैयार हैं। समय बीतता जा रहा है, आप अच्छी तरह सोच लो, ये अटल बात है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।